ब्रॉक लेसनर वर्सेस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच आप लोगों को देखने को मिल जाता, लेकिन इसके लिए ऑस्टिन ने मना कर दिया था। पर क्यों? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा 2002 में, जब यहाँ पे WWE ने तय किया था कि भाई यहाँ पे स्टोन कोल्ड को ब्रॉक लेसनर से हारना है एक किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफिकेशन मैच के अंदर। तो ये बात ऑस्टिन को डिसरिस्पेक्टफुल लगी कि भाई ना कोई बिल्ड, ना कोई स्टोरी लाइन, और ऐसे ही एक क्वालिफाइंग मैच के अंदर इतना तगड़ा मैच हो जाए तो भाई उसमें तो मजा नहीं आएगा ना। अब तुम लोग इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ड्रीम मैच है बहुत सारे बंदों के लिए, और एक किंग ऑफ द रिंग के क्वालिफिकेशन मैच में हो जाए तो कैसा लगेगा भाई। तो स्टोन कोल्ड को हारने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत जो मैंने आपको बताई वो थी, और ये एक तरीके से सही डिसीजन भी था, क्योंकि अगर ऑस्टिन एक क्वालिफाइंग मैच के अंदर हार जाते तो आज तक लोग गाली बक रहे होते कि। लेकिन अगर सच में ये मैच हो जाता तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होता, कमेंट करके जरूर बताओ। जैसे जेठालाल की किडनी बचती वैसे ही WWE भी बचती, लेकिन कब तक।